इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो यार, कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी और ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी। प्रूफ करो कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब एक बात सुनो जरा, पूरे में क्रॉस का चक्कर है, तो एक फॉर्मूला तो हम लोग कम से कम रिकॉल कर ही लें कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता था, एन कैप, ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस बी अगर जीरो आता, मैं आपसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा बेसिक चीज़ समझा दूँ, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो वेक्टर आ रही है, तो समझना या तो ए जीरो होगा, ए वेक्टर जीरो वेक्टर होगा तो आ सकता है, ठीक, या बी वेक्टर जीरो वेक्टर होगा तो इसका आंसर जीरो आ सकता है, या फिर इनके बीच में एंगल जीरो होगा। यस और नो? एंगल जीरो का मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल। तो क्या कुछ कुछ बात समझ आई कि अगर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और आंसर अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, पैरेलल, उनके बीच में एंगल क्या, क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर नॉन जीरो है, ऐसा हम लेट करके चल रहे हैं, ये दोनों वेक्टर क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हम निकाल लेंगे यहाँ पे, एक तो वेक्टर है ए माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी माइनस सी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, ठीक है सर। तो ए का बी के साथ होगा तो ए क्रॉस बी वेक्टर, ए का सी के साथ होगा माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे इसका डी क्रॉस बी वेक्टर और प्लस डी क्रॉस सी वेक्टर। अब कुछ दिया भी गया हमको, ए क्रॉस बी को क्या सी क्रॉस डी लिख सकते हैं, तो ए क्रॉस बी की जगह सी क्रॉस डी और ए क्रॉस सी की जगह बी क्रॉस डी। अब तो खैर आप लोग को आंसर दिख ही गया होगा। खैर अब एक बात समझना, अगर कहीं लिखा है ए क्रॉस बी तो क्या हम इसको बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन अब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सी क्रॉस डी है ना, तो क्या हम इसको माइनस का डी क्रॉस सी लिख सकते हैं और इसको प्लस का डी क्रॉस बी लिख सकते हैं, और इन दो को मत चेंज करो क्योंकि एक जैसे हैं, कट गए, तो आंसर कितना निकल गया है, जीरो। लेकिन ये जीरो आया तो हो सकता है या तो ये भी जीरो हो, सब ना बात को, इनका आंसर निकल के क्या आया, जीरो आया ना, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए माइनस डी जो है ये भाई साहब जीरो वेक्टर हो सकता है, या फिर बी माइनस सी वेक्टर जीरो वेक्टर हो सकता है, या फिर एंगल जीरो हो सकता है। यस और नो? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि ए वेक्टर डी वेक्टर के बराबर नहीं है। अगर सुनो, अगर ए वेक्टर डी वेक्टर के बराबर होता तो इसका मतलब ए माइनस डी क्या आता, जीरो वेक्टर आता। यस और नो? तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल क्या है, जीरो, और एंगल जीरो है तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये।